हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आई पोंचे का एक नया डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है एक, और मैंने बुकरम की कटाई की है इस तरीके से, और इसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, और बीच में से इसे कट करके और इसके चारों कॉर्नर पर इस तरीके से हम सिलाई देंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई कम्प्लीट कर ली है, और अब जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर हमें पोंचे को इस तरीके से रखना है और सिलाई दे के दूसरी तरफ फोल्ड करना है। सबसे पहले इस पर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े के ऊपर इसको उल्टी साइड से रखना है और बिल्कुल इसके नज़दीक सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं देनी है, बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई देते रहेंगे। देखिए, इसके एकदम नज़दीक नज़दीक सिलाई देनी है। अब इसे दूसरी तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई देनी है। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की जो नई नई नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब इसे दूसरी तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसके बीच में हमें निशान लगाने हैं। पहले नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ से हमें निशान लगाना है। इसको अच्छे से इसी तरीके से हम तीनों में निशान लगा लेंगे। और अब हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ये जॉर्जेट का मैंने फैब्रिक लिया है, और इसे हमें पट्टियाँ कट करनी है इस तरीके से। उन्हें दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई देंगे। इस तरीके से इस पर हमें सिलाई देनी है। ये मैंने दो पट्टियाँ बना ली है, एक को मैंने पूरा लॉन्ग रखा है, और इसे हम पूरी दूर एक जैसे सिलाई देते हुए चलाएंगे। इसे कहीं भी बीच में से कट नहीं करना है। इस तरीके से इस पर हमें पूरी दूर सिलाई देनी है। तो देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरी जो हमारी पट्टी बचती है उसको हम तीन फोल्ड करेंगे और तीनों को अलग अलग काट लेंगे। अब यहाँ से बीच में से हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एकदम बराबर आ रहा है इसके। अब इस पर हमें सिलाई देनी है। देखिए, मैंने इस पर सिलाई कम्प्लीट कर ली है। अब ऊपर की तरफ हमें सिलाई देनी है। एक सिलाई इसकी हमने पहले ही दे ली थी, इस पर हमें एक सिलाई और देनी है। तो देखिए, ये सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ भी सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ हम बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई देंगे, और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन देते हुए बिल्कुल इसके नज़दीक हमें दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन डाल देना है, तो मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। देख सकते हैं, कपड़े को लेफ़्ट राइट हिलाते हुए मशीन को चलाना है। और ऐसे ही हमने हमारा पोंचा तैयार कर लिया। कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।